Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका testbook.com में। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने माइन इंस्पेक्टर की पोस्ट लिए एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया है और हम इसी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देना चाहता हूं जो आगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानेंगे ऑफिशियल वेबसाइट जहां पर आप इस नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम जानेंगे इसका वैकेंसी काउंट, इंपॉर्टेंट डेट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सैलरी स्ट्रक्चर और सिलेक्शन प्रोसेस। और इन पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद मैं आपको लेकर चलूंगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। तो देखिए, अपनी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ऑफिशियल वेबसाइट है bssc.bihar.gov.in। इस वेबसाइट पर विजिट करके आप नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। वैकेंसीज की बात करें, टोटल 100 वैकेंसीज हैं। डिटेल बाइफरकेशन हम नोटिफिकेशन के अंदर चेक करेंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 20 सितंबर 2021 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 20 अक्टूबर 2021 लास्ट डेट है अप्लाई करने की, यानी रजिस्ट्रेशन विंडो आपकी एक महीने के लिए ओपन है। एज लिमिट देखिए, जनरल मिनिमम जो एज है वो 21 साल है हर कैटेगरी के लिए। मैक्सिमम एज जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए 37 ईयर्स है, जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स के लिए। और जनरल कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो एज लिमिट है वो 40 साल रखी गई है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए माइंस एंड माइंस सर्विंग में फ्रॉम मैनी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन, या फिर आपके पास जियोलॉजी में डिग्री होनी चाहिए। पेमेंट आपका 9300 से 34800 रहेगा, ग्रेड पे आपको 4200 मिलेगा। साथ में वेतन आयोग के तहत 4200 ग्रेड पे में 35400 रुपए बेसिक पे रहती है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो रिटन टेस्ट के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो ये आपके देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। अब हम चलते हैं नोटिफिकेशन पर और डिटेल में डिस्कस करते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में। तो अपनी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने रिलीज किया है। 20 सितंबर से 20 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तिथि क्या है, 20 सितंबर से 20 अक्टूबर तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन की। और आवेदन करने की अंतिम जो डेट है, मतलब एप्लीकेशन की जो अंतिम डेट है वो 22 अक्टूबर है और रजिस्ट्रेशन की अंतिम डेट लास्ट डेट है 20 अक्टूबर। रिजर्वेशन देखिए क्या है, टोटल 100 वैकेंसीज निकली हुई हैं, जिसमें देखिए आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की 41 वैकेंसी हैं। 35% जो वैकेंसीज हैं वो फीमेल कैंडिडेट की रिजर्व हैं। ओबीसी और बीसी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 30 वैकेंसीज हैं। एससी एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 16 वैकेंसीज हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 10 और ओबीसी कैटेगरी की बीसी कैटेगरी की जो फीमेल कैंडिडेट्स उनके लिए 3 वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो टोटल इस तरह से आपकी 100 वैकेंसीज हैं। वेतनमान यानी पे स्केल क्या है, पेमेंट 2 में आएंगे 9300 से 34800, ग्रेड पे 4200 रहेगा आपका। और ये पे लेवल 6 में आते हैं यानी 7th पे कमीशन के तहत देखें तो 35400 बेसिक पे रहेगी। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मैंने आपको बताया था, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से खान एवं खान सर्वेक्षण में डिप्लोमा अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भूभर विज्ञान में स्नातक। तो ये चीज जो हिंदी में लिखी हुई है यही मैंने आपको इंग्लिश में बताई थी कि आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए माइंस एंड माइंस सर्वेइंग में, या फिर आपके पास डिग्री हो जियोलॉजी में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया से किसी की। और उसके साथ साथ देखिए आपका क्या है, अभ्यर्थी जिस संस्थान का डिप्लोमा प्रमाण पत्र समर्थित करेंगे उस संस्थान का AICTE से मान्यता प्राप्त होना, ये सारा आपका है क्वालिफिकेशन। अब देखिए आपकी एज लिमिट, मिनिमम एज आपकी 21 साल है यहाँ पर। उसके बाद अनरिजर्व कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम एज 37 है और अनरिजर्व कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एज 40 साल है। और बीसी और ओबीसी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल, उनके लिए एज लिमिट 40 साल है। एससी एसटी कैटेगरी के लिए एज लिमिट 42 ईयर्स रखी गई है। उसके बाद देखिए आपका सिलेक्शन क्या है, आपका रिटन एग्जाम के बेसिस पर सिलेक्शन होगा। रिटन एग्जाम में आपके 3 पेपर होंगे। पहला पेपर जो है वो सामान्य अध्ययन का होगा, 100 नंबर का, 3 घंटे का टाइम मिलेगा। दूसरा पेपर जो है वो आपके रिलेटेड जो स्ट्रीम है खनन एवं खान सर्वेक्षण अथवा भूतत्व, इसका होगा, 100 नंबर का, 3 घंटे का टाइम मिलेगा। और तीसरा आपका जो है वो है भारत के खनन विज्ञान एवं नीतियां, 100 नंबर का होगा, 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। और जो तीनों पेपर है वो आपके अलग अलग जो है शिफ्ट्स में होंगे और 3 घंटे का आपको हर एग्जाम को आंसर करने का समय दिया जाएगा। और देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स क्या दिए हुए यहाँ पर, जनरल कैटेगरी के लिए 40% आपको मिनिमम स्कोर करना होगा। बीसी कैटेगरी के लिए यहाँ पर जो पिछड़ा वर्ग है उनके लिए 36.5 और बाकी सभी के लिए यहाँ पर दिया हुआ है कितने कितने परसेंट आपको स्कोर करना है। मिनिमम जो है वो 32% तो है ही, किसी भी कैटेगरी के आपको स्कोर करनी होगा। एग्जाम फीस जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए, बीसी कैटेगरी के लिए 750 रुपए है और बाकी सभी कैटेगरी में अलग अलग एप्लीकेशन चार्जेस यहाँ पर दिए हुए हैं जो कि आप नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं।
तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस नोटिफिकेशन के वो हमने यहाँ पर चेक कर लिए हैं। एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, डेट्स क्या है, वो सारे जो पॉइंट्स थे वो हमने ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। तो ये था बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन माइंस इंस्पेक्टर की पोस्ट लिए। और जब कोई नोटिफिकेशन रिलीज होता है और हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मॉक टेस्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं इस टेस्ट बुक पास में, क्योंकि इस एक टेस्ट बुक पास में आपको 400 से ज्यादा एग्जाम्स के लिए 26,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं। और अभी देखिए यहाँ पर टेस्ट बुक प्रीमियर लीग चल रही है, यानी आपको ये जो लाइफ टाइम टेस्ट बुक पास है वो मिल रहा है ₹499 में। और हर दिन आपके पास मौका है बाइक, एलईडी टीवी और आईपैड जैसे मेगा प्राइजेस जीतने का। और मेरी तरफ से आपके लिए एक रिवॉर्ड है, वो है ये कूपन कोड YT5। अगर आप YT5 कूपन कोड को यूज करेंगे तो आपको एडिशनल 5% का डिस्काउंट मिलेगा। यानी जैसे आप YT5 कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो 499 वाला जो पास है वो आपके लिए हो जाएगा 475 पे। तो कूपन कोड आपको यूज करना है YT5 एडिशनल 5% के डिस्काउंट के लिए। इसी के साथ इस वीडियो और इस जानकारी को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड सभी अपडेट लिए टेस्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।